तो जैसे हर एक बीमारी का एक इलाज होता है, वैसे आज मैं बताऊंगा स्मार्टफोन के बीमारी का बस एक इलाज, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन का कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे अगर आपने फ़ोन का पैटर्न लॉक भूल चुके हैं और आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं बिना अपने डाटा को इरेज किए, तो वीडियो को टिल द एंड देखना। अगर आप चाहते हैं अपने फाइल मैनेजर को ट्रांसफ़र करना किसी और फ़ोन में बस एक मिनट के अंदर, तो इस वीडियो को देखना। अगर आप चाहते हैं अपने फाइल मैनेजर को एक्सेस करना बस एक मिनट में, तो बस इस वीडियो को देखना। और मैं बोलूँ, अगर आप अपने पूरे फ़ोन को चेक करना चाहते हैं कि आपका फोन कैसा है, क्या क्या खराब है, क्या क्या सही काम कर रहा है, तो इस वीडियो को टिल द एंड देखना। ही व्यूअर्स, तो की हालचाल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसकी मदद से आप अपने फोन का सभी कुछ चेक कर पाएंगे और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पता कर पाएंगे और इसकी मदद से आप अपने फोन को अनलॉक भी कर पाएंगे बिना अपने डाटा को लॉस किए। तो वीडियो को टिल द एंड देखना। बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप इसे यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो तो देखना बनता है ना। तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देते हैं 100 लाइक्स, तो प्लीज़ लाइक रेट कंप्लीट कर देना और ऐसे ही कमाल के वीडियोस रोजाना देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो पैसे नहीं लगते हैं, फ्री सब्सक्राइब हो ही जाता है। तो चलो फिर शुरू करें। तो फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा, जैसे आप उस लिंक में क्लिक करोगे तो आप इस पेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये है डॉक्टर फोन का एप्लीकेशन, जिसकी मदद से आप अपने पूरे फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो और अपने पूरे फ़ोन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका लॉक स्क्रीन हो गया है और आप पासवर्ड भूल चुके हो, तो आप इस वजह से अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो बिना अपने डाटा को लॉस किए और बहुत सारा अदर भी काम आप एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले आपको फ्री डाउनलोड में क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन डाउनलोड होने लगेगा। सिंपल आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो क्लिक करके। तो मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे देखते हैं, कुछ इस तरह का ये एप्लीकेशन देखने को मिलता है, डॉक्टर फोन नाम है। तो सिंपल से ओपन कर लेना इंस्टॉल करने के बाद। जैसे आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आने लगेगा, यहाँ पे ओपन ही होने लगेगा। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, वंडरशेयर की तरफ से आता है, अगर आपने नाम सुना है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है। तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने मिलेगा। तो इसकी वजह से आप बहुत सारे काम को टॉगल कर सकते हो। तो आप अपने फ़ोन का डाटा रिकवर भी कर सकते हो, फ़ोन में यहाँ पे मैनेजर भी देखने मिल जाता है, साथ में आप व्हाट्सअप का फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक, जो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब क्विक हो जाएगा, आपको बस दो डाटा केबल लगाना पड़ेगा, एक अपने फ़ोन का और एक अपने फ्रेंड के फ़ोन का, जिस फ़ोन में आपको ट्रांसफ़र करना है, और दोनों के बीच में आराम से एक सेकंड में डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फोर्थ फीचर की अगर बात करें तो ये है स्क्रीन लॉक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन का स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो। अगर आपका में पैटर्न लॉक है, अगर आपका में एप्पल आईडी है, अगर आपका में कोई भी लॉक है, तो आप इसे अनलॉक कर सकते हो। बात करें फिफ्थ फीचर की, वो जो है सिस्टम रिपेयर। तो इसकी वजह से आप जान सकते हो कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन या आईओएस फ़ोन, मतलब आईफोन में क्या प्रॉब्लम है, और उसे फिर फिक्स कर सकते हो। बात करें नेक्स्ट फीचर के, जो है फाइल ट्रांसफर, मतलब इसमें से आप अपने फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो एक से दूसरे फ़ोन में। बात करें अगले फीचर को, जो है फ़ोन का बैकअप बना सकते हो, जो बहुत ही अच्छी बात है, फिर डाटा इरेज कर सकते हो। तो एक एक करके मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे सब काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं इस एप्लीकेशन सबसे मेन और हाईलाइटिंग फीचर को, जो है स्क्रीन अनलॉक का। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्क्रीन अनलॉक में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो एक नया यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगा और आपको बोलेगा कि आपको कौन सा पैटर्न लॉक है, मतलब अगर कौन सा स्क्रीन लॉक है आपको चूज़ करना है। तो अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपका पैटर्न लॉक होगा, अगर आपका आईफोन है तो आपका ये वाला लॉक होगा, अगर आपका एप्पल का या आईफोन ही है फिर से, तो आप एप्पल आईडी को भी अनलॉक कर सकते हो। तो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है तो हम एंड्रॉयड फ़ोन में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपको बोलेगा अपने फ़ोन को डाटा केबल से कनेक्ट कर दो। तो मैं आप डाटा केबल से कनेक्ट कर देता हूँ अपने फ़ोन को और आपको फिर दिखा देता हूँ। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा। तो इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, तो इंटरनेट आपने पीसी में रखना ऑन। तो हमें प्रोसेसिंग हो रहा है 100% से होने देते हैं। तो जैसे कि देखते हैं कुछ यहाँ पे फाइल डाउनलोड ही कर रहा है, तो इसे आपको सिंपल करने देना है, कुछ भी यहाँ पे अपने फोन को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो यहाँ पे 100% जैसे हो जाएगा फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बोलेगा। तो इसके अंदर दो टाइप से स्क्रीन अनलॉक होता है, एक होता है डाटा पूरा इरेज करके और एक होता है आपका डाटा रहेगा, मतलब आपका डाटा फोन ही में रहेगा, बस आपका स्क्रीन अनलॉक होगा। तो ये सभी फोन्स में सपोर्ट नहीं करता है, मैक्सिमम ज़्यादा फ्लैगशिप फोन्स में सपोर्ट करता है। अगर आपका पुराना फोन है तो आपको डाटा इरेज करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आ रहा कॉन्फ़िगरेशन, और मेरे फोन में डाटा इरेज करने बोल रहा है तभी अनलॉक होगा, क्योंकि मेरा फोन पुराना सैमसंग का फोन है। तो कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे मैं अनलॉक नाउ में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कौन कौन से बटन को आपको टॉगल करना है, जिसमें से आप इसे अनलॉक कर सकते हो। अगर आपके फोन में बटन है तो बटन वाले में क्लिक करो, नहीं है विदाउट होम बटन का फोन है तो आप इसमें क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग इस पे चूज कर लेते हैं। उसके जो जो यहाँ पे परफॉर्म करने बोल रहा है, एक्शन आपको परफॉर्म करना है, वो सब आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा, फिर आपको रिकवरी मोड में आपका फोन चल जाएगा। उसके बाद आपको वाइप डाटा में जाना है और आप फिर कर सकते हो। तो नेक्स्ट जैसे मैं करूँगा तो इसका अगला स्टेप बताएगा कि कैसे आपको करना है। सिंपल आपको वाइप डाटा में जाना है, फैक्ट्री रीसेट करना है और फिर यस करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे सभी कुछ हो जाएगा फैक्ट्री रीसेट, और आपको फिर रीबूट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो फिर आपका फ़ोन टोटली न्यू हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट फ़ोन है तो आपका डाटा बच जाएगा, आपको यहाँ पे वाइप डाटा करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, आपका फ़ोन तुरंत वहाँ पे हो जाएगा
स्क्रीन अनलॉक, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो पुराने फ़ोन में ये काम नहीं करता है, हो सकता है लेटेस्ट अपडेट जब आएगा इसका नेक्स्ट अपडेट तो ये काम करने लगेगा। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसे यूज़ कर सकते हो और अपने फ़ोन का स्क्रीन को हटा सकते हो। तो इस तरह का आप अपने स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो। और चाहे तो यहाँ पे आईफोन है तो आईफोन का भी सेम वैसे ही फीचर आपको देखने को मिलेगा। अपने फ़ोन को कनेक्ट करो, फिर यहाँ पे बटन प्रेस करो, सब बोलता है, आपको सिंपल कर लेना है। बात करें अगले फीचर को जो है इस फोन का, फोन मैनेजर। तो फोन मैनेजर आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है। तो आप जैसे अपने फ़ोन को कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे बोल देगा, ऑप्शन बोलेगा कि आपको क्या क्या यहाँ पे आपके फ़ोन में सब दिखाने लगेगा जो जो आपके फ़ोन में अवेलेबल है। बात करें अगले फीचर को जो है व्हाट्सअप ट्रांसफ़र। तो व्हाट्सअप के फाइल्स को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक, जो बहुत ही अच्छा फीचर है। तो आप सिंपल को कनेक्ट कर देना है, यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है कि क्या आपको करना चाहते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सअप का फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हो, बैकअप बना सकते हो और बहुत सारा काम कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख लेना। तो इसके लिए आपको टोटल दो फ़ोन चाहिए होगा, जो पहला फ़ोन होगा जिसमें से आप डाटा लोगे और दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करोगे, जो बहुत ही अच्छी बात है। दोनों फ़ोन को कनेक्ट कर देना है और यहाँ पे ट्रांसफ़र बटन में क्लिक कर देना है, तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो बात करते हैं अपने अगले फीचर को जो है इस फ़ोन का सिस्टम रिपेयर। तो बहुत ही अच्छा है, आपको सिंपल कनेक्ट कर देना है, अपना मॉडल नंबर चूज़ कर लेना है और सिंपल यहाँ पे अपना प्रोटेक्ट कर सकते हो फ़ोन को और जान सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में, जो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है फ़ोन बैकअप का, तो अपने फ़ोन को बैकअप भी बना सकते हो। तो अगर आप अपने स्क्रीन को अनलॉक कर रहे हो, सबसे पहले यहाँ से बैकअप बना लेना अपने फ़ोन का, उसके बाद अनलॉक करना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फिर नहीं आएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे इस तरह सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है वंडर शेयर का डॉक्टर फ़ोन, जो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और फ़ोन का डॉक्टर आप इसे बोल सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप चाहे डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉइड फ़ोन और आईफोन में भी काम करता है, तो आप मज़ा उठा सकते हो। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करना और ऐसे कमाल के वीडियो रोजाना देना चाहते हैं तो उनको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई पैसे नहीं लगते हैं, फिर सब्सक्राइब हो ही जाता है। और बेल आइकन में क्लिक कर देना ताकि ऐसे कमाल के वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिलते रहे। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते मिलकर चल करते हैं अपने ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाई।